अरविंद केजरीवाल अपने सियासी पत्ते तेजी से फेंट रहे हैं। असल में कोई तोहमत दिल्ली में रह रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों पर नहीं लगे, इसलिए उन्होंने सुबह सवेरे ही कहानी तैयार कर ली कि दिल्ली में बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं। इतनी कहानी सुनाने के बाद केजरीवाल अमित शाह की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल हुए और उसके बाद पैंतरा बदलकर सीधे महात्मा गांधी की समाधि पर शांति की कामना करने चले गए। उनके साथ उनके नायब मनीष सिसोदिया भी थे। वहां जाने के बाद उन्हें याद आया कि केजरीवाल ने जो कहानी सुबह मीडिया को सुनाई, अब वक्त उसे आगे बढ़ाने का आ गया है। तो उन्होंने कहा कि लगता है दिल्ली में दरिंदे घुस आए हैं। ये हमारी दिल्ली की आम जनता नहीं है। मतलब साफ है कि केजरीवाल ने अपनी तरफ से इस बात का संकेत दे दिया कि आगे वे किस किस्म की सियासत करने वाले हैं। मान भी लिया जाए कि जाफराबाद में पत्थरबाजी करने वालों में बाहरी लोग हैं, तो केजरीवाल को बताना चाहिए तो उन्हें जाफराबाद में किसने छुपा कर रखा है और किसके इशारे पर वे सारे पत्थरबाज पुलिस बलों पर पत्थर बरसा रहे हैं। कम से कम केजरीवाल और सिसोदिया इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे कि तमंचे से गोलियां दागने वाला शाहरुख खान दिल्ली का है और आम आदमी पार्टी का पक्का समर्थक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।